दिल्ली का सुपरहिट मुकाबला जिस पर हम कर रहे हैं चर्चा, लेकिन विजय गोयल जी, चूंकि आप ये कह भी रहे हैं शुरू में कि बीजेपी की हमेशा से कोशिश रही है, इससे पहले भी विधानसभा में जब आप सरकार में थे आपने पारित कराया था, क्या एक प्रबल कदम इस तरफ बढ़ते हुए हम देखेंगे नरेंद्र मोदी की तरफ से? भूल जाइए कि अरविंद केजरीवाल ने पूछा है, लेकिन कुछ उम्मीदें तो, क्योंकि चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे कानून बनाने का मामला हो, कई मामलों में लाचार दिखती है दिल्ली सरकार। ऐसे में क्या वाकई एक ईमानदार कदम देखेंगे हम? देखिए, इस ईमानदारी का तो सबसे बड़ा तो सबूत यही है कि केंद्र में जब हमारी एनडीए की सरकार थी तब हमने ही सबसे पहले इस ओर कदम बढ़ाए थे, किंतु उस समय कांग्रेस में दिल्ली की सरकार थी, तो दिल्ली की सरकार ने उसको पास इसलिए नहीं किया कि केंद्र की सरकार को उसका सारा यश क्रेडिट ना मिल जाए। तो मेरा यह कहना है कि अब तो दिल्ली में भी हमारी सरकार होगी और केंद्र में भी हमारी सरकार होगी, तो जाहिर तौर पर हम पूर्ण राज्य के दर्जे की तरफ बढ़ेंगे। और एक देखिए, जनता को बेसिकली तो डेवलपमेंट चाहिए, और ये दूसरे मेहरा साहब जो हैं वो बड़े विद्वान आदमी हैं, थोड़े मेरे इस बात से आहत होकर पर्सनलाइज हो गए और मेरे पे अटैक करने लग गए, किंतु मैं उनको ये बता देता हूं कि बिजली के दाम जो आप दावा कर रहे हैं ना, आपने कम कर दिए, वो कम नहीं किए दाम आपने, बिजली कंपनियों को तो आपने पूरा पैसा दिया है, जो खजाना पड़ा हुआ था उसमें से उठाकर आपने दे दिया 49 दिन के लिए, क्योंकि पता था आपको आपकी सरकार आगे चलने वाली नहीं है। तो असल में तो बिजली के दाम कम तब होंगे जब बिजली कंपनियां अपने रेट कम घटाएंगी, और इस ओर केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पहला उन्होंने एलईडी लाइट्स किया जिसके कारण बिजली की खपत होगी, तीसरा मोनोपोलीज खत्म करेंगे, और दूसरी बात यह है कि हम सस्ती पावर बिजली को देंगे, ऐसा केंद्र सरकार ने अभी से प्रयत्न शुरू कर दिए हैं। तो खजाना तो कोई भी लुटा सकता है, भाई एससी एसटी का फंड था, आपने कोई बजट में प्रोविजन तो किए नहीं थे, इसलिए आप दिल्ली की जनता को गुमराह मत करिए कि आपने दम कम कर दिया। सब्सिडी दी, वो सब्सिडी अभी दे रही है, कम या ज्यादा देना एक बात है, पर सवाल यह है कि बिजली के दाम कम कैसे होंगे, हम इस बात का प्रयत्न करेंगे। हमने जो कहा हम 30% बिजली के दाम कम करेंगे, उसका मतलब था बिजली कंपनियों से हम दाम कम कराएंगे, चाहे वो सीएजी का ऑडिट करा के, चाहे वो मोनोपोलियां तोड़ के, चाहे उनमें कॉम्पिटिशन कराकर, तब जनता को ये होगा। और जिसके बारे में केंद्र सरकार अभी काम कर रही है कि भाई जिससे भी, जिस कंपनी से भी आपको सस्ती और क्वालिटी बिजली मिलेगी आप उससे ले सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि बीजेपी अपने एजेंडे पे काम कर रही है। अब इनको भी देखिए ना, इनको प्रश्न पूछना चाहिए था केजरीवाल साहब को, हमारे बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी से प्रश्न पूछते हैं मोदी जी को, फिर कहते हैं बीजेपी मोदी जी क्यों कर रही है। भाई मोदी जी आप नाम थोड़ी है, मोदी तो विकास का नाम है, मोदी तो उन्नति का नाम है, मोदी 24x7 काम करने का नाम है, मोदी विजन का नाम है, कोई मोदी सिर्फ इसलिए का काम, और देश जानता है लोकसभा के अंदर। अब आप लोग क्रिटिसाइज मत करिए, आलोचना मत करिए, इस समय आप मोदी जी का साथ दीजिए ताकि देश आगे बढ़े, पॉलिटिक्स बाद में करना आप लोग। विजय जी, मोदी जी का नाम आते ही आजकल बीजेपी वालों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप भी बही गए? नहीं नहीं, मैं तो मोदी जी से एकदम इन्फ्लुएंस हूं, उनसे प्रभावित हूं, और मैं समझता हूं कि उन्हीं की तरह हमको भी काम करना चाहिए। आपके प्रचार चल रहे हैं रेडियो पे खूब, तो चेहरा क्यों नहीं बना देते इस बार आपको? जी नहीं नहीं, तो जब हरियाणा में नहीं हमने चेहरा बनाया, जब झारखंड में नहीं बनाया, इन लोगों को क्या तकलीफ है? ये अपना पीएम सीएम का दो मर्जी चेहरा रखें, कांग्रेस अपना चेहरा डिक्लेयर करे ना, किसको चेहरा है जी? आप हमारे ही पीछे क्यों पड़े हैं? आप कांग्रेस से भी तो पूछ लीजिए उनका क्या चेहरा है जी, और उनके पास तो एक ही चेहरा है, आम आदमी के पास वही चेहरा सब चीजों के लिए है जी। तो इसलिए हमने कभी भी नहीं उनको कहा कि आपने ए चेहरा बनाया या बी चेहरा बनाया, आप अपनी पार्टी संभालिए, हमारी पार्टी हमें संभालने दीजिए। चलिए ठीक है, हमारी इससे पहले कि आपकी बातों का जवाब नहीं करेंगे, ऐसे ही चुनाव जीतेंगे। अब हम राहुल जी से आपकी बातों का जवाब लें, उससे पहले जयप्रकाश अग्रवाल जी, मैं आपके पास एक बार आना चाहती हूं। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा वाकई सवाल है और दिल्ली की जनता इसको महत्वपूर्ण मानती है, तो ऐसे में तो 15 साल आप रहे, और जिस तरह से उस वक्त भी बीजेपी ने आगे बढ़ाने की कोशिश की आपने नहीं होने दिया, तो इस पैमाने पर तो जनता और शायद आपको नकार दे। मैं इसकी शुरुआत 1993 से करना चाहता हूं, और उसके बाद दिल्ली में जब असेंबली बनी तो यह मांग बदस्तूर रही कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां उनकी मांग ये रहती है, लेकिन सरकार इसको दूसरे तरीके से देखती है। कई बार इसकी बैठकें भी हुई, लेकिन वो हम किसी फैसले पर और नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। मेरा मानना यह है कि ये जितने बहुत सारे दिल्ली के मुद्दे हैं उनमें से एक मुद्दा है, ये पूरा मुद्दा नहीं है। जो बात विजय गोयल साहब ने कही कि डीडीए सारा काम करता है, भाई जो लैंड ओनिंग एजेंसी है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन आते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके चेयरमैन है डीडीए एडवाइजरी कमेटी के, तो
तो उसमें अगर कोई चीज पूरा कराना चाहते हैं तो पूरी होती है, लेकिन एलजी का मतलब तो फिर केंद्र हो जाता है ना। ईडीए नहीं करता दिल्ली में, अगर अग्रवाल साहब एलजी का मतलब तो फिर केंद्र हो जाता है, दिल्ली में करना चाहते हैं वो काम रुकता नहीं है। मैं वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई काम रुकता नहीं है। अगर मान लो डीडीए से भी कोई काम कराना हो तो क्या डीडीए से पहले कोई काम नहीं हुए, या डीडीए ने रूल्स एंड रेगुलेशन दिल्ली के जो यहाँ पे सरकार होती है उसका कहने के मुताबिक डीडीए काम करती है, उनको करना पड़ेगा। कई बार टकराव होता लेकिन उससे नतीजों पर कोई असर नहीं होता। मेरा मानना कोई दूसरा है कि दिल्ली के 10 बड़े मुद्दे हैं, हम किसी एक मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ते, वो पूरे 10 मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। मुझे आप पार्टी से भी एतराज है जो राहुल जी ने अभी कहा कि सिर्फ बिजली के दाम कम करने, पानी के दाम कम करने, क्या ये हमारा एजेंडा पूरा करता है? क्या इसके अलावा दिल्ली का विकास के बारे में इनका कोई कोई लेवल नहीं है, कोई बात ये करना नहीं चाहते? बार बार ये अपनी बात को वहीं दोहराते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर दिल्ली को विकास का चेहरा किसी ने दिया तो कांग्रेस ने दिया, दिल्ली के लोगों को राहत दी सेवा की भावना से तो वो कांग्रेस ने दी, दिल्ली को अनऑथराइज कॉलोनी में काम किया वो कांग्रेस ने करा, झुग्गी झोपड़ी के लिए मकान बनाए वो कांग्रेस ने करे। आपके साथ तो आप ही खड़े थे जी, आपके साथ तो आप ही खड़े थे ना। जो एक छोटा सा समय हमने, मैं जवाब दे देता हूँ आपको, एक छोटा सा समय हमने उनको इसलिए दिया कि उन्होंने हमें मंचों पर बहुत बड़ी बड़ी गालियां दी और ये कहा कि कांग्रेस खराब पार्टी है। हमने उन्हें मौका दिया कि वो हमें गलत साबित करें, क्या वो हमें गलत साबित कर पाए? क्या हमारी नीति और कार्यक्रम में कोई बदलाव कर पाए? क्या उन्होंने दिल्ली वालों को कोई नई चीज दे दी? नहीं तो आपको लगा कि उनसे हाथ मिला के आप भूल जाएंगे, बहुत छोटे, बुरी छवि अच्छी हो जाएगी। नहीं, हमें धुलने की क्या जरूरत है? हम ना हम किसी भी, माफ करना, हमारा एक बहुत लंबा इतिहास है, एक चुनाव हारने का मतलब पार्टी खत्म नहीं हो जाती। आज हमारा अगर हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं, हमारी हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी सरकारें रही हैं, दिल्ली में ज्यादातर समय हमारी सरकार ने दिया है, और जो आज दिल्ली का स्वरूप आप देख रहे हैं, एक नक्शा दिया दिल्ली को वो कांग्रेस ने दिया। ये तो इतिहास की बात हो गई ना अग्रवाल जी, ना इस बार पोस्टर दिख रहे हैं, ना विज्ञापन सुनाई देते हैं रेडियो पे, लगता है जैसे पहले से ही कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। नहीं, शीला जी ने भी कह दिया कि आपके साथ जाएंगे, उपयोग कर रहे हैं हम भी। नहीं नहीं, शीला जी ने जो कह दिया वो आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है, पीसीसी ने उसकी सफाई दे दी है कि हम किसी के साथ जाने वाले नहीं है, हम हमारी सरकार बनेगी, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, हम किसी का समर्थन नहीं करने वाले। और एक बात और कह दूं मैं आपको, जो नक्शा हमारा है और जिस नक्शे से हमने दिल्ली के स्वरूप को बदला है, एक खूबसूरत दिल्ली बनाई है, बाहर से आने वाले लोगों के लिए हमने राहत दिया, राहत के काम किए हैं, वो कोई और नहीं कर पाएगा क्योंकि इनको मालूम नहीं इनका रास्ता किधर जाता है। सोशल वेलफेयर स्कीम सेवा किसने लागू करी? कांग्रेस ने लागू करी। राहुल से हमारा किसी वजह से संपर्क कट गया है, हम कोशिश कर रहे हैं वापस आए ताकि राहुल से जवाब लें, लेकिन विजय जी वो कह रहे हैं कि हमने तो एकदम बदल दिया, सुंदर दिल्ली बना दी है, सारे लोग गुणगान जो करते हैं, विदेशी आते हैं दिल्ली की, वो सब हमारी वजह से है। अब इतनी सुंदर दिल्ली इन्होंने बना दी तो जनता ने इनको असुंदर जवाब क्यों दिया, ये तो यही बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली के अंदर गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। 60 लाख लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, 30 लाख लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, 10 लाख लोग स्लम के अंदर रहते हैं, 1-2 लाख लोग पटरी के ऊपर सोते हैं, लोगों ने खुद ही कॉलोनियां बना ली, मैं तो अब उनको सेल्फ मेड कॉलोनियां कहता हूं। तो मेरा इसलिए कहना है कि आज दिल्ली को देख लो कितनी साफ सुथरी और कैसी दिल्ली है ये, तो 15 साल का शासन कैसा रहा दिल्ली का। मैं जयप्रकाश भाई को कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि शासन तो शीला दीक्षित की सरकार थी और शीला दीक्षित की सरकार जो थी दिल्ली के अंदर एक्सपोज हो गई है। तो जहां तक बात यह है तो दिल्ली के बारे में कोई ये ना कहे कि भाई दिल्ली के अंदर कोई डेवलपमेंट या विकास हुआ, केवल ब्रिजेस बनने से नहीं काम होता, असल के अंदर तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही है, बिजली की, पानी की, रहने की, छत की, रोटी की, कपड़े की, मकान की, आज भी लाखों लाख लोगों के पास शौचालय नहीं है, दिल्ली में रहने वाले शौचालय नहीं है उनके पास। अग्रवाल साहब जल्दी से जवाब, शौचालय नहीं है सबसे बड़ी बात यह, शौचालय गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है। यार देखो अब ये मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए भाई रोजमर्रा की समस्या है, ये आंकड़े हम दिखा रहे हैं, कितने वोट कहाँ पे मिलेंगे ग्रामीण दिल्ली में हम दिखा रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी आप तीनों का, इसको आप देख लीजिए। इस बीच अग्रवाल साहब आप अपनी बात पूरी कीजिए, काम हो गए।
मैं ये कह रहा हूँ क्या दिल्ली के स्लम कहीं नहीं है, अनौथाइज कॉलोनी कहीं नहीं है, क्या पट्टी पे सामान बेचने वाले कहीं नहीं है, क्या गरीबी कहीं नहीं है? तो माफ करना, हम जो रास्ता दिखा रहे हैं वो रास्ता उस विकास से जुड़ता है जिसका स्वरूप आज दिल्ली को देखने को मिला है। देखिए, हम बंद आंखें करके अगर हम चलेंगे तो हम कुएं में जाएंगे। चुनाव हार गए कोई बात नहीं, चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव के हारने से दिल्ली की सड़कें तो गायब नहीं हो गई, मेट्रो तो गायब नहीं हो गई, हॉस्पिटल तो गायब नहीं हो गए, कॉलेज तो गायब नहीं हो गए, स्कूल तो गायब नहीं हो गए। यार हमने कराया तभी तो हम मजबूत ठीक है। आपकी इस बात पर भी, इस पर भी हमने सर्वे कराया था कि बिजली, सड़क, पानी के लिए बेहतर कौन सी पार्टी है, तो यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी बेहतर थी, 16% के आसपास मानते थे, 36% कहते हैं बीजेपी को, और आम आदमी पार्टी को 39% कहते हैं। लेकिन अब ब्रेक पर जाने से पहले, नहीं दिल्ली में कुछ ठीक है, बड़ा ताज्जुब है इस बात का। चलिए ठीक है, आपकी इस बात में दम है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आप दोनों से एक सवाल, राहुल मेहरा से किन्हीं वजहों से संपर्क टूट गया, हम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हमेशा हेड ऑन कोई भी अगर जंग हो सामने आकर सीधे ललकारते हैं, विजय गोयल जी और जयप्रकाश अग्रवाल जी, कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा नई दिल्ली से उनके खिलाफ? ये तो पार्टी तय करेगी सर, इस पे तो बीजेपी का सवाल मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ, ये तो हमारी इलेक्शन कमेटी है, इलेक्शन कमेटी देगी, जो भी आएगा उम्मीदवार आएगा, जैसे और 70 उम्मीदवार हैं उनमें से एक ये भी होगा। गोयल साहब, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना एक भी उम्मीदवार जाहिर नहीं किया है, और जाहिर तौर पर नई दिल्ली से जो भी उम्मीदवार होगा वो अरविंद केजरीवाल जी को हराएगा, ये मैं कह सकता हूं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। चलिए अब कुछ ऐसे सवाल सीधे पूछते हैं जिससे कम से कम हम कहीं नतीजे पर पहुंचे, और इसीलिए विजय गोयल जी, अगर दिल्ली में आपकी सरकार बनती है, क्या आप ऐसा कानून लाएंगे जिससे पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिले, हाँ या ना? जाहिर तौर के ऊपर दिल्ली के अंदर हमारी सरकार आने पर हम पूर्ण राज्य के दर्जे की वकालत करेंगे, और इसके अंदर कोई ना का प्रश्न नहीं होता है, और असल में तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी खत्म होना चाहिए, जिसके लिए पूर्ण राज्य का दर्जा जरूरी है। गोयल साहब, फिर वकालत करने वाली बात तो अब जब यहाँ आपकी सरकार होगी, केंद्र में मोदी जी हैं, फिर क्या? हाँ, आपने मुझसे जवाब पूछा है, हाँ और ना में, मैं कह रहा हूँ हाँ। चलिए ठीक है, तो विजय गोयल जी ये साफ कह रहे हैं कम से कम आज तक पर कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, वो कानून इसके लिए लाएंगे, क्योंकि इस बार तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में। अब जयप्रकाश अग्रवाल जी, इस पर आपका कमेंट। मुझे तो एक बात पहले, मैं विजय गोयल जी का धन्यवाद कर दूं कि उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने से दिल्ली में अराजकता है, और अगर है तो इसके जिम्मेदार वो और उनकी पार्टी है जिन्होंने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया कि आज यहाँ लोगों के काम नहीं हो रहे, और ये चुनाव इसलिए नहीं कर रहा आपके सालों में है ताकि इनका पीछे से इनका कंट्रोल बना रहे। एक दो दिन में अनाउंसमेंट होने वाली है, तैयारी रखो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दिल्ली से मोहब्बत करते हैं, हम दिल्ली से प्यार करते हैं, हम सेवा की भावना से काम करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो दिल्ली है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, पूरी ताकत इस पे लगाएंगे, हमारी सरकार बनेगी और उसके लिए डट के काम करेंगे, और कोई भी बड़े से बड़ा फैसला लेना पड़ा तो हम लेंगे, क्योंकि हम दिल्ली से अलग नहीं रह सकते। चलिए इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा, लेकिन अफसोस जरा इस बात की रही कि कम से कम राहुल मेहरा 6:30 के बाद हमारे साथ नहीं जुड़ पाए किसी तकनीकी खराबी की वजह से। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जनता की राय आप देखते हैं। पहले देख लीजिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, अब ये जरा सा बदल गया है, 71% कहते हैं हाँ मिलना चाहिए, जबकि 29% कहते हैं कि नहीं, नहीं मिलना चाहिए। क्या है दिल्ली के दिल में, जब ये ओपिनियन पोल हमने किया, कांग्रेस 3-5, बीजेपी 34-40, आम आदमी पार्टी 25-31 और अन्य 0-2। यह है वो आंकड़े जो नतीजे हैं और जो ओपिनियन पोल के हिसाब से है, जिसमें आप इजाफा देख सकते हैं, बीजेपी को लगभग 2-6 सीटों का इजाफा होता हुआ दिख रहा है, आम आदमी पार्टी 25-31 के बीच में फायदा भी हो सकता है, 3-4 सीटों का नुकसान भी हो सकता है, और कांग्रेस को इसमें साफ नुकसान दिखाई दे रहा है। अभी तो इस सुपरहिट मुकाबले में कई सारे दाव खेले जाएंगे, हर दाव पर रहेगी आज तक की नजर। हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।